हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एट द रेट नेहू 25। सो गाइस, कैसे हो आज आप सभी। आज का व्लॉग होने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी कि आज मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ उसके कॉलेज, बिकॉज़ हमें कुछ काम था, उसको कोई एप्लीकेशन वगैरह चेक करवानी थी। सो फाइनली यहाँ मैं रेडी वगैरह हो चुकी हूँ और हम जा रहे हैं कॉलेज। उसका कॉलेज है कालिंदी कॉलेज। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कालिंदी कॉलेज का पूरा रिव्यू करवाने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ किस तरह से। यहाँ पे मैंने अपनी मेट्रो टिकट ले ली है और मेट्रो कार्ड लेने के बाद उसके बाद हम आ गए हैं मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ पे हमारी मेट्रो आ चुकी है। मेट्रो आने के बाद ही हम मिलेंगे अपनी दोस्त से, फिर हम दोनों को साथ में जाना है कॉलेज, क्योंकि मेरी तो सिर्फ संडे संडे क्लासेस होती है, उसका रेगुलर कॉलेज होता है। सो फाइनली गाइज, हम लोग मिल चुके थे और उसके बाद यहाँ हम आके मेट्रो स्टेशन से हमने एग्ज़िट ले लिया है और क्या कहते हैं, अब हम जा रहे हैं कॉलेज की तरफ। तो रास्ते में यार आप देख सकते हो मौसम तो सही था, मतलब इतनी धूप हो रही थी। उसके बाद ये हमें ट्रेन टाइप दिखी थी, जहाँ पे मतलब ये एक रेस्टोरेंट जैसा है, जो कि मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा था। मतलब आप लोगों ने तो पहले भी देख रखा होगा ना, जैसे कि बस फूड कॉर्नर है ना, इसी तरह ये ट्रेन टाइप था, है ना, साउथ इंडियन करके कुछ। उसके बाद यार हम आ चुके हैं अपने कॉलेज में, अपने कॉलेज यानी कि मेरे फ्रेंड के कॉलेज में। तो यहाँ पे हमने घपला किया, वो तो आई कार्ड से एंट्री ले ली थी और मैंने उसके क्या कहते हैं लेटर से एंट्री ले ली थी, ठीक है। तो मैंने बोल दिया था कि अभी मेरा क्या कहते हैं आई कार्ड अलॉट नहीं हुआ है, 2-3 दिन में हो जाएगा। आंटी मेरे से पूछ रही थी दिखाओ दिखाओ पेपर में, मतलब ओपन करके दिखाओ। सो फाइनली गाइज, ये है कॉलेज, इस तरह से पूरा कॉलेज होने वाला है, आप देख सकते हो। ये है कालिंदी कॉलेज, मतलब मेरे को तो सही लगा यार कॉलेज, और आप बता सकते हो, मतलब फर्स्ट टाइम देखा है मैंने ये कॉलेज, काफ़ी सही था। ये देखो यार, कॉलेज का पार्क आ जाता है, कॉलेज की फ्रंट मेन बिल्डिंग है, उसके साइड में ही ये पार्क है, जहाँ पे ये क्या कहते हैं यमुना करके वो मतलब झूले वूले लगा रखे हैं बच्चों के लिए पार्क में पूरे। यहाँ से कॉलेज में एंट्री होती है, मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। और बहुत ही अच्छा लगा मेरे को यार कॉलेज, काफ़ी सही है कालिंदी कॉलेज, मतलब बाकी वो लोग जाने जो कालिंदी वाले हैं मतलब। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये ऑफिस विंडो है, जहाँ पे मेरी फ्रेंड को अपनी एप्लीकेशन जमा करवानी थी, क्योंकि उसको सब्जेक्ट चेंज करवाना है। ये देख सकते हो आप, एंट्री करते ही यहाँ पे आ चुका है हमारा कैंटीन, जो कि इधर नेस कैफ़े वगैरह है, आप देख सकते हो कैंटीन, उसके आगे यही सब पूरा मेस वगैरह है खाने वाने का। देन मैंने सोचा मैं वापस से बाहर जाती हूँ, आपको कॉलेज अच्छे से दिखाती हूँ, है ना। उसके बाद यहाँ पे गाइज मैं गई बाहर की तरफ, कॉलेज को एक्सप्लोर करना था। मैंने कहा वो अपना काम कर लेगी, उसके बाद जब तक मैं कॉलेज एक्सप्लोर करके अपना व्लॉग बना लेती हूँ एक। सो गाइज आप देख सकते हो, ये है इस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी का कालिंदी कॉलेज। यहाँ पर क्या कहते हैं बुक्स वगैरह रखी हुई थी इस तरफ, बट ये लाइब्रेरी नहीं थी। ये यहाँ से बिल्डिंग है क्लासेस की तरफ जाने के लिए, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बिकॉज फर्स्ट टाइम था मेरा तो इस कॉलेज में है। सो आप देख सकते हो ये इधर की साइड झूले वगैरह लगे हुए हैं, पूरा पार्क है, काफ़ी अच्छा था यार कॉलेज। तो फाइनली मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि यार उसका काम हुआ कि नहीं हुआ, फिर मैं यार खुद ही एक्सप्लोर करने लगी थी इधर से उधर, देखते हैं कॉलेज में और क्या क्या चीज़ें हैं, कैसा है कॉलेज, कितना बड़ा है ना, बहुत सारी चीज़ें। सो गाइज, वही सब देखने के बाद आगे बढ़ते हैं। जो कॉलेज का मेन फ्रंट पार्ट था, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ इधर कालिंदी का, मैंने कहा वापस से शूट कर लेते क्योंकि मेरी फ्रेंड बाहर आ गई थी ना, वो बोल रही थी कहाँ चली गई। सो यहाँ पे यार वो अपनी एप्लीकेशन वगैरह जमा करवा रही है, उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। उसका काम तो हुआ नहीं था, एप्लीकेशन सर ने ली नहीं थी। ये सारी विंडोज़ हैं जहाँ पे ऑफिस विंडो है, जहाँ पे काम वगैरह होता है ऑफिस का, अपने बच्चे चीज़ें फाइल वगैरह मतलब जो भी एप्लीकेशन वगैरह ये सब डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो सामने भी पार्क है पूरा। अब वो मुझे नहीं पता कौन से पार्क को क्या क्या कहते हैं, बट वो बता रही थी मेरी फ्रेंड, इसको ये कहते हैं उसको वो कहते हैं, क्योंकि उसका कॉलेज यार उसको ज़्यादा अच्छे से पता था। उसके बाद मैंने थोड़ा कॉलेज एक्सप्लोर किया उसी के साथ, उसको मुझे बताई थी। फिर उसके बाद हम लोग यार बैठे साथ में, मैंने उससे पूछा क्या हुआ कैसे, तो बता रही थी नहीं यार फर्स्ट सेमेस्टर तक मुझे यही पढ़ना पड़ेगा, अभी वो सब्जेक्ट चेंज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हो हम और जाएंगे कॉलेज, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। ये देख सकते हो आ चुके हैं यहाँ, पूरा ग्रीन गार्डन है ये पूरा ही, मतलब काफ़ी अच्छा है यार कॉलेज, मतलब बहुत हरियाली वगैरह भी, कितने सारे पेड़ पौधे हैं और
करोल बाग आईएएस के बोर्ड्स भी लगे हुए हैं कॉलेजेस में, आप देख सकते हो हर जगह आपको यही मिलेगा, चाहे नॉर्थ कैंपस हो चाहे साउथ कैंपस हो, मतलब दिल्ली में मोस्टली हर जगह आपको ये करोल बाग, दृष्टि आईएएस, कोचिंग ही कोचिंग, कोचिंग ही कोचिंग आपको मिलने वाली है हर जगह। सो गाइस इस तरह से आप देख सकते हो, ये यहाँ पे इनका ये बता रही थी क्या कहते हैं कौन सी बिल्डिंग है, टेस्ट बिल्डिंग ऐसे कुछ बता रही थी है ना, मतलब साइंस वालों के लिए है, यहाँ पे लैब वगैरह भी होती हैं, इसी तरह से कुछ बता रही थी, बाकी मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं और मेरी फ्रेंड बैठ गए थे, मौसम भी काफ़ी ठीक हो गया था, उसके बाद यहाँ बैठ के हमने थोड़ी बातें बातें की, क्योंकि हमें इसके बाद भी कहीं और जाना है जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। यहाँ पे हम फोटोज़ वगैरह क्लिक करते, उसके बाद हमें थक गए थे यार, बैठ के थोड़े से एप्पल खाए हम लोगों ने, भूख लग रही थी हमें, उसके बाद मैं तो खैर घर से खा के आई थी, कुछ नहीं खा के आई थी, तो हम आ गए हैं। ये यहाँ पे इनका कॉलेज का ऑडिटोरियम है जो कि सिर्फ 2 ही फ्लोर्स हैं ऑडिटोरियम में, आप देख सकते हो ऑडिटोरियम इस तरह से पूरा वाइट कलर का होने वाला है, वाइट क्रीमी या ग्रेइश कलर का है ये पूरा ऑडिटोरियम है जो भी हमारा मतलब इनका। उसके बाद मेरी फ्रेंड बता रही थी ये वाला साइड जो आने वाला है, जो यहाँ पे अभी ये बिल्डिंग के साइड में आप देख सकते हो, ओरिएंटेशन वाले दिन बहुत सारे बच्चे आए हुए थे जो कि यहाँ पे भी खड़े होने की जगह नहीं थी, वो बता रही थी पूरा भर चुका था ये एरिया, और यहाँ पे देख सकते हो आप कॉलेज के लिए पीजी बनाए जा रहे हैं पीछे की साइड, बैक साइड बहुत सारे, मतलब ताकि स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये पीछे आप देख सकते हो जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, यहाँ पे पीजी बनाया जा रहा है गर्ल्स के लिए, बिकॉज ये गर्ल्स कॉलेज है, कालिंदी कॉलेज जो है वो गर्ल्स वाला कॉलेज है मेन। और आप देख सकते हो यहाँ पे इधर से लाइब्रेरी आ जाएंगी, यहाँ मेरे को बता रही थी मेरी फ्रेंड, इधर लाइब्रेरी वगैरह है, ऑडिटोरियम का पिछला वाला साइड है ये, और यहाँ से जाने के बाद मैं अपनी फ्रेंड से कह रही थी यार कॉलेज तो तेरा अच्छा है बाकी। और यहाँ पे देखो ये आ गया है छोटी सी झील, जिसमें मेरी फ्रेंड बता रही थी इसमें फ़िश भी हुआ करती थी, खैर अभी तो नहीं है, ये देखो ये मिनी झील होने वाली है ना कॉलेज की छोटी सी, बहुत अच्छा है, मतलब कॉलेज यार इतना भी बुरा नहीं है जितना मैं सोच रही थी, क्योंकि बुरा तो नहीं है मतलब अच्छा ही है कॉलेज वैसे भी। और क्या कहते हैं यहाँ पर मैं उससे पूछी थी यार तेरा कॉलेज थोड़ा बिखरा बिखरा सा, बिकॉज होता नहीं है एक चीज़ इधर एक चीज़ उधर, थोड़ा ना एकदम एकदम जॉइनिंग सा नहीं था, फिर मैं यहाँ पूछी थी यहाँ पर वो बता रही थी कि इधर की साइड हमारा म्यूजिकल रूम वगैरह चलता है, और ये देखो यहाँ पे इसकी क्लासेस वगैरह चल रही है, मतलब ना बहुत गिच पिच नहीं है बच्चों को, और मैं बोली थी कुछ ज्यादा पतली पतली सी गलियां सी नहीं है तो यार ऐसा है ना कॉलेज, मतलब मेरे को बड़ा कंजस्टिंग सा लग रहा था, कहीं का एकदम खुल्ला खुल्ला सा लग रहा था। ये इनका म्यूजिकल रूम था, उसके बाद ये बाहर की तरफ आ गए हम कैंटीन से जस्ट सामने, उसके बाद ये सामने वाला जो पार्क था जो मैं आपको बोल रही थी वीडियो में स्टार्टिंग में कि मुझे नहीं पता ये कौन सा पार्क है, तो इसमें मेरी फ्रेंड्स बता रही थी, मतलब मेरी दोस्त बता रही थी कि सरस्वती पार्क है, ठीक है इसी तरह से ये पूरा कॉलेज होने वाला है आज का, आपको मतलब देख सकते हो। और मैं यहाँ पे बोल भी रही थी यार कि मतलब सही है फ्रंट भी कॉलेज का सही है, बस थोड़ा रिनोवेट करा देना चाहिए तुम्हारे कॉलेज को अच्छे से यार, मतलब वापस से ना पेंट वेंट करवा देना चाहिए तभी ज़्यादा अच्छा लगता है ना। और आप देख सकते हो इस तरह से हम निकल चुके हैं। सो फाइनली गाइज ये हमने पूरा कॉलेज एक्सप्लोर कर लिया है, मेरी फ्रेंड भी अब हम दोनों यहाँ से एग्जिट लेंगे कॉलेज से। कॉलेज से निकलने के बाद मैं आपको बता देती हूँ, ये कॉलेज से जस्ट निकलने के बाद इस साइड में आपके लेफ्ट हैंड साइड में फ्रंट में एकदम से आपको दिखने वाला है गुरुद्वारा व्हाइट कलर का, जो ये सामने से मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा था ये गुरुद्वारा इस तरफ से, ठीक है बहुत ही अच्छा था यार, मतलब पास में पार्क वगैरह भी थे, गुरुद्वारा भी है, अगर आपको कॉलेज बंक करना है तो आप इजीली इधर या गुरुद्वारा या फिर पार्क वगैरह में टाइम स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। मेरी फ्रेंड बता रही थी ये वो जो पार्क है ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा पार्क था यार, काफ़ी मतलब बहुत अच्छा है, मैंने सुना उसने बताया मेरे को जिस तरह से, मैंने कहा सही है यार तुम लोगों को बंक वंक मारने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कहीं दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास में एक गुरुद्वारा भी है, और ये देखो ये सामने पार्क, ये वाला पार्क है जो कि बता रही थी बहुत ही बड़ा पार्क है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें भी हैं आप देख सकते हो, सही है ना यार पार्क में एकदम हरियाली हरियाली सी, इजीली टाइम पास हो जाता है, ज़्यादा वो करने की ज़रूरत ही नहीं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी क्लिपिंग वगैरह शूट कर रही थी, यहाँ बातें बातें करते करते मैंने कहा चलो चलते हैं, और बातें बातें मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था यार कॉलेज भी, हम वॉकिंग डिस्टेंस से ही आए, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था कॉलेज, तो पैदल ही आए थे और पैदल ही गए थे। सो गाइस इस तरह से हमारा पूरा कॉलेज होने वाला है, मैंने आपको गुरुद्वारा भी दिखा दिया, इसके पास में गुरुद्वारा है, ये पूरा पार्क भी दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है कॉलेज के पास में ही है पार्क पूरा। सो फाइनली गाइस आपको आई होप ये सारा वीडियो जो मैंने आज की क्लिप
अच्छा लगा होगा, पूरा कॉलेज वगैरह, है ना। खैर मतलब मेरा तो यार टाइम पास ही हो गया, मैं तो वैसे भी घर में ही रहती हूँ, तो मेरे को वैसे भी एक्सप्लोर करनी थी चीज़ें, मेरे को व्लॉग के लिए कंटेंट मिल जाता है, आप देख सकते हो, है ना, ये दिल्ली में जो पार्क है। उसके बाद हम चले वापस से अपनी मेट्रो पकड़ के अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। अगली डेस्टिनेशन मतलब अगले व्लॉग में आपको पता चल जाएगा इसके बाद हम कहाँ गए थे। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय गाइज।